आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसपीडी की, एसपीडी नहीं, आज हम बात करने वाले हैं एसटीडी की। अबे अरबी घोड़े क्या लिखा है ये, आज हम बात करने वाले हैं एसटीपी की, शार्क टैंक पाकिस्तान। एंड दिस वीडियो जस्ट केम इनटू अ रिकमेंडेशन एंड आई वाज लाइक कि भाई इस पे तो बात करनी बनती है भाई। फॉर नाउ जो जितना मैंने देखा है, ये एक ऐसा शो है जहां पे एक देश के टॉप के 6 एंटरप्रेन्योर्स आए हैं और वो मिलकर 22 लाख रुपए भी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं कई बार। तो चलो यार मिलकर स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 1 से एंड लेट्स जस्ट बिगिन। और हाँ यार, अगर सम आओ तुम लोगों को इस चीज में मजा आता है, ये मेरे दिमाग में आता दैट आई वुड लव टू नो मोर अबाउट दीज 6 पीपल हु आर ऑन द पैनल, क्योंकि भाई क्या चल रहा है भाई अपने साथ वाले देश में, जानना तो चाहिए ना। बट एनीवेज और आई एम नॉट श्योर भाई कि जैसे जो अपना इंडिया वाला स्टार्टिंग इंडिया है, वो लोग बहुत आराम है भाई जब भी कॉपीराइट मार देते हैं, तो अब इनका जो संभाल रहे हैं वो भी ऐसे हराम भी हुए, तो बहुत सारा कंटेंट इसमें से क्लिप आउट करना पड़ेगा। एंड अपन सीधा मेन मुद्दे की बात करेंगे, बाकी अगर आपको पूरा एपिसोड देखना होगा तो मैं लिंक नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें लिंक दूंगा बट इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का। यार हम थोड़ा सा फ्यूचर में ऐसा कंटेंट की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट और थोड़ी सी वीडियो में हेल्प वगैरह करनी, कंटेंट सजेशन करना, जो भी करना है, तो यार डिस्कॉर्ड के ऊपर आ सकते हो, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बाकी दूसरी चीज मित्रों, इंस्टाग्राम पे आ जाओ अगर भाईचारा बनाना। एनीवेज कमिंग बैक टू द वीडियो, शायद क्रिकेट की अगर बात की जाए वो दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाली स्पोर्ट्स है, 5000 ऑफर कर रहे हैं, बट जो दूसरे ब्रांड है वो इसको 250 में। तो बेसिकली यार मैं तो संक्षेप में बता देता हूँ, इनके पास पहला एक बंदा आता है जो बेसिकली स्पोर्ट्स की दुकान चलाता है भाई, मतलब जो ये बंदा सामान लेके आया वो हमारे मेरठ में 3x3 के कमरे वाली दुकान में, जिसमें खिड़की नाम की भी चीज नहीं होती, 5000 में माल बढ़ जाता है, वो वहां पे 1.5 लाख का बेच रहा है। और वैसे तो वो 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपया है, नॉट इंडियन रुपीस, बट स्टिल भाई भाई। और भाई एक तो इनके स्टैट्स, 70% का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान क्या ब्रेकअप है, 50% पाकिस्तान आपके भाई, मतलब कुछ भी भाई, 50% मार्केट कैप शेयर बता रहे भाई पाकिस्तान का। भाई अकॉर्डिंग टू हिम भारत और पाकिस्तान बराबर के बैट दुनिया में पहुंचाता है, बराबर के कद्दू मेरा, तुम्हारे भाई काले नमक में तो काला नमक होता नहीं है, तुम बैठ पहुंचाओगे दुनिया की। नो हेट टू एनी कंट्री, पीस पीस। जिनको नहीं पता है, कुछ समय पहले एक काफी बड़ी बात चली थी कि जो पाकिस्तान है वो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स है फॉर ब्लैक सोल्ट, एंड जितना भी ब्लैक सोल्ट लोग बाहर इस्तेमाल कर रहे थे उन सब के अंदर मिलावट मिल रही थी, तो वो एडिबल नहीं था। एंड भाई अपना दामन भी बहुत ज्यादा साफ नहीं है, अपना भी जो पूरा ये उसी टाइम पे चला था जब ये एमडीएच मसालों वाली कंट्रोवर्सी चली थी, उसी टाइम पे काले नमक की भी कंट्रोवर्सी चली थी, बट क्योंकि भाई अपना देश बड़ा है एंड पॉलिटिकली थोड़ा सा ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो बात ज्यादा चढ़ी और ये बात ऑन अ ग्लोबल एजेंडा नहीं दिख पाई थी। शार्क्स, हम तीनों शार्क्स ऑफर करेंगे आपको फॉर 30% इक्विटी, हमारी 10-10-10 इक्विटी बनेंगी, ठीक है, और 10% आपकी रेवेन्यू से, आपकी टॉप लाइन सेल्स से हम वापस लेंगे जब तक हमारी 75 लाख नहीं पूरी होती। ओ भाई भाई भाई, एक तो भाई जब तुम्हें मैं बेसिकली बता देता हूँ रॉयल्टी का हिस्सा क्या होता है, और रॉयल्टी वाली डील बेसिकली होती है कहाँ पे, रॉयल्टी वाली डील मोस्टली वहां पे देखने को मिलती है जहां पे दिख रहा है कि भाई अभी बहुत एक संक्षेप में क्रिएटेड प्रोडक्ट नहीं है और ये हमारा पैसा ले रहा है और अभी प्रॉफिट आने में बहुत टाइम लगेगा, तो चल भाई तो एक काम कर, जो प्रॉफिट कमा रहा है ना वहीं से हमारा पैसा देना वापस चालू कर दे। बेसिकली ये होती है एक तरीके की MLM स्कीम, कि मैंने जो पैसा डाला है ना वो तो उसको बेच, और जो उससे पैसा आ रहा है वो मेरा पैसा आ रहा है, अगर आप इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते भाई। रिस्क थोड़ी ले लेंगे, जीडीपी का आधा हिस्सा दे रहे हैं। उस तरह की इन्वेस्टमेंट रेडी नहीं है, आपको प्रॉब्ली ग्रांट्स देने चाहिए। बेटे ग्रांट की बात चल रही है, ग्रांट की बात नहीं चल रही, 15.5 रुपए में एक आ जाए,
जिनको ये जोक समझ नहीं आया, पाकिस्तान बिंग पाकिस्तान बहुत ज्यादा करप्शन होता है तो ग्रांट के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, और अफ्रीका की जो करेंसी है वो रांट होती है, तो एक पाकिस्तानी रुपया 15 रांट के बराबर होता है। मतलब भाई मेरे को जोक एक्सप्लेन करना पड़ रहा है जस्ट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। प्रॉपर्टी नहीं है भारत की, वो एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है एंड इट्स अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ब्रांड जो कि अलग अलग देश को, फॉर एग्जांपल गोट टैलेंट है वैसे ही। बट भाई फॉर सम वियर्ड रीजन व्हाई डू आई फील लाइक कि एक सेट ऑफ स्क्रिप्ट चला रखे इन सब पैनलिस्ट के अंदर जो बहुत कॉपी पेस्ट लग रहा है, आई डोंट नो भाई। बट ओवरऑल भाई नाउ मैं ये शो देखने लग गया एंड बीच में इसके ऊपर कमेंट्री देना थोड़ा सा रह गया, सो दैट्स व्हाई हम लोग वीडियो को थोड़ा जल्दी सम अप करें, और मेरा पहला ये एक रेंट वीडियो था, सो दैट्स व्हाई मेरे लिए भी बिल्कुल नया था कि कैसे चीजें करी जाती हैं। तो होप सो वी विल बी इम्प्रूविंग विद आर आर्ट फॉर्म रियल सून, बट फॉर नाउ दैट्स इट। एंड टू सम इट अप भाई, आई वुड लाइक टू कन्वे अ स्मॉल मैसेज टू To sum it up, bhai, if somehow this video gets delivered to a lot of Indian audiences and they are new to the channel, I want to convey a small message in the end ki it's important to just keep an eye over these shows, to maybe look ki haan other nations are also doing good, so maybe let's not just close our eyes and think we are the best. And I mean to say is, as a youth we need to work real hard to build new things, and it's also important to not just be fixated over a set of codes we have been introduced in our early days, like be an engineer, be a doctor, start endeavoring over new career options, new fields, and don't choose a job, choose a work, choose a study that you like and work for that. That could be anything, and it just not need to be specified in just a single subject that we had studied in school. If you went going too deep into physics, why there are multiple branches of physics and you might find a single branch real interested, just start studying that and you will eventually find work in that and you will start enjoying your life. So what I mean to say is, start exploring your horizon and start learning new things so that you could find something good and something that could keep you alive for rest of your life with a meaning. And with that said, yeah, thank you so much for watching this video. If you guys have watched this video till the end, maybe you find me a bit watchable. Malam, I won't say entertaining in this video because I won't be lying. Bahut horrible sa ek rant video tha, mere ko bhi maza nahi aaya itna zyada, but because it's first time and it's important to put stuff out then to keep it on the cooking table and just keep cooking it, it will get burnt. So just cook it, leave it, move on to the next one. That's our main goal on this channel. And yeah, thank you so much. See you in the next one. Do hit the subscribe button to the Haryanvi or Chagu. Bye-bye.